हाय गाइस, आपने थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए, हाय गाइस, दिस इज वेंकटराव फ्रॉम जीनियर स्टडी। तो आरआरबी पैरामेड का जो 2019 में वैकेंसी निकली थी उसका आंसर की आ गया है जी, जो फर्स्ट स्टेज हुआ है और इसमें ऑब्जेक्शन डेट भी आ गई है। तो चलिए हम चलते हैं आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पर। ये देखिए, आरआरबी इलाहाबाद का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आइएगा तो 3 अगस्त को आपको ये आया है नोटिस टू व्यू द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की एंड रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चन ऑप्शन एंड आंसर की इज रॉन्ग। ठीक है, तो चलते हैं इसको खोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पेज खुलेगा। देखिए, तो इसमें दिया गया है कि CBT 1 जो हुआ है आपका पैरामेडिकल के लिए हुआ 2019 में, जो CM 2 2019 है नंबर इसका, बताया जा रहा है कि आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आंसर के देखने के लिए 5 अगस्त को, ठीक है जी, और 8 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद आपको बोल रहा है कि इसमें जो भी अगर गलती होगा आंसर की वगैरह में तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी कि आपका आंसर सही है और उसने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है या गलत चेक हुआ है या किसी तरह से भी आपका आंसर सही होना चाहिए या मल्टीपल आंसर उसने दिए हैं या आपका आंसर सही है उसने आंसर कुछ और दिया है या ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं उसने एक ही आंसर एक्सेप्ट किया है तो आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जी। और तो यहाँ बता रहा है कि ऑब्जेक्शन करने का डेट जो है, आप क्वेश्चन पेपर तो 5, 8 को 10 बजे देख सकते हैं और बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन रेजिंग पेमेंट विंडो है जो क्लोज हो जाएगा 8 तक, यानी 5 से 8 तक आप क्या कर सकते हैं जी, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब बात की जाए फी के लिए, तो देखिए फी के लिए बोल रहा है कि 1 50 रुपये पर अप्लीकेशन बैंक सर्विस चार्ज पर ईच ऑब्जेक्शन, यानी एक ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। यानी एक क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो 50 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बोल रहा है कि ये जो फी है वो आपका रिफंड हो जाएगा अगर आपका कैंडिडेट के द्वारा जो चैलेंज किया गया है वो अगर सही पाया गया तो ऑनलाइन पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा जी, रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए ऑप्शन दिया है, इसका लिंक कुछ दिन में एक्टिवेट हो जाएगा जी, यानी 5 को हो जाएगा। चलिए, तो आज देखते हैं। उसके बाद बोलना कि जो 50 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आपने जो भी क्लेम किया है अगर सही पाया गया तो, ऑब्जेक्शन फाइन डेट टाइम एंड इतना रिच नो रिप्रेजेंटेशन सर बोल रहा है कि जो भी एडवाइस कीजिएगा वो आपको पेमेंट जो 50 रुपये का रिफंड कर दिया जाएगा उसी बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा जिससे आपने पेमेंट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये प्रोसेस पूरा इसमें लिखा हुआ है रीजिंग ऑब्जेक्शन के लिए, और वो 5 अगस्त को आप इंतजार कीजिए, आपका जरूर ही आंसर भी उस दिन डाउनलोड हो जाएगा। आप आंसर के डाउनलोड होते ही आप क्या कीजिएगा, आप अपने सारे क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा। ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले मैं आप सबसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ाई की है, स्टडी की है, वहाँ पे एक बार टीचर से कंसल्ट जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के आते रहते हैं तो उन्हें सब पता है कि क्या गलत है क्या नहीं है। और बहुत सारे लड़के अगर एक बार कंप्लेन करते हैं तो उसका इमेज कुछ ज़्यादा ही बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उसका नहीं होगा, उसको चेक जरूर किया जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो ज़रूर उसको करेक्ट किया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्शन करना मैं बोलूँगा सबको करना चाहिए ताकि एक इम्प्रेशन बनता है, इम्प्रेशन बनता है। तो चलिए बस, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ।